मसाल घाट में भी लगा मैं ऐसे नहीं आई हूँ, मैं ऐसे इस रूप में नहीं आई हूँ बेटा। इस दरबार में काली का भी रूप आ गया और माँ वैष्णो का भी रूप चल रहा बेटा और सैयद हुसैन का भी चल रहा बेटा और लखदाता का भी चल रहा। दूसरा माई कलाल कोई अटकेगा भी नहीं और अटकने भी नहीं दूंगा मैं। बोले साचे दरबार, बोले सैयद हुसैन के दरबार। क्यों भटकते हो बेटा, क्यों भटक रहे हो, क्या बात क्या बताओ मुझे, फरमाओ मुझे, कबूल कीजिए मुझे। माँ नहीं हूँ मैं, सैयद हुसैन बाबा है। जिन चीजों को नीचे दबाया हुआ था बेटा उनकी मनियाद खत्म होगी, वो आज के बाद आजाद है वो, ठीक है। जितने दिन उनके मुंह को सामान लगता रहा देते रहा चलते रहे वो गुप्त में चलते रहे और वो बाहर निकल गए। आप हमारे को तंग करेंगे और क्या करेंगे, तो घर से तो पहले भी नहीं निकले थे बेटा। अरे पहले भी तुम्हारा झगड़ा ऐसे चलता था, अब मैं सही हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम सब बात सुनो, पहले तुम सब कब ठीक हुए थे और कब तुम्हारे घर से झंझट खत्म हुआ है बताओ मुझे। इतने दिन बड़े सामान लगवा लिए और इतना लंगर लगा लिया और इतना कुछ कर दिया, फिर भी तुम्हारा सीधा रास्ता नहीं हुआ। आज भी रास्ता के कांटे हैं तो कल भी कांटे का बेटा। ठीक है, ये सही तो सुन का कसूर नहीं है कि तुम दरबार में नहीं जाते थे। अरे गिन करते थे, नफरत करते थे, आज गए तो आपका पल्ला वहाँ पे झाड़ दिया ना तो सारा कष्ट निकल जाएगा। क्यों मजाक करेंगे बेटा, मेरी बात सुनो पहले, मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ, कुछ सवाल मेरे अंत कर रहे हैं।